जय शिक्षक, जय शिक्षक समाज, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षक एकता के लिए सभी संघों के द्वारा, लगभग सभी संघों के द्वारा पहल किया जा रहा है और यह पहल बहुत ही शानदार पहल है और इस पहल को हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ना कोई बढ़ करके आगे नहीं आएगा तब तक उस काज को हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे परिस्थिति में सपोर्टिंग हम सभी के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम लोग एक नहीं हुए, आज अगर हम लोग एक नहीं हुए तो समझिए कि हम लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है। और हम शिक्षकों को जो समान काम समान वेतन की लड़ाई है, वह लड़ाई यूं ही रास्ते पर ही भटकती हुई रह जाएगी। इस लड़ाई को हम सभी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, क्योंकि आज के युग में संगठित होना बहुत ही आवश्यक है और यह जरूरी तंत्र है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी बड़ी काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संगठन में बहुत ही बड़ी शक्ति समाहित है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज़ हैं, अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट और पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम ईंट और पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को मिलजुल करके, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, हम सभी मिलजुल करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएँ और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है हम सभी के तरफ से वो करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, जो प्रदीप कुमार पप्पू जी का संगठन है, उनके संगठन के तरफ से विभिन्न संगठनों को पत्र जारी किया गया, जिसका बैठक 26 मई को पटना में आयोजित किया गया है। और इसमें सब संघीय बैठक के लिए प्रदेश कार्यालय सचिव नवनीत मिश्रा जी के द्वारा जो पोस्ट डाला गया है, उस पोस्ट के माध्यम से पता चलता है कि इस बैठक में विभिन्न संगठनों को बुलाया गया है। और भी जो भी संगठन जो अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया है उसको भी कॉल करने का, या अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनका नंबर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनसे बात की जा सके और बात करने के बाद इस बैठक को, बैठक में आने के लिए सभी को आमंत्रित किया जा सके। प्रयास बहुत ही सराहनीय है। पिछली मर्तबा 2017 में भी उनका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा और बढ़ चढ़ के हिस्सा उन लोगों ने लिया। तो एकता की प्रयास अगर की जा रही है तो हम सभी को मिलजुल करके सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे नहीं, हम लोग अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, तो मंजिल को पाना है तो हम सबको, विभिन्न शिक्षक जो सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, तो इस तरीके का कटाक्ष जो राजनीतिक भावना से प्रेरित हो, उस तरीके का कटाक्ष हम लोग नहीं करें, क्योंकि उन सब में हम लोगों को नहीं पड़ना है। हमारी लड़ाई कभी भी लड़ाई होगी तो सरकार से होगी, चाहे सरकार में जो भी हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमें लड़ना सरकार से होता है। हम लोग सिस्टम से ही लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी मांग को आखिर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, कभी भी अपनी मांग को हम लोग सरकार के समक्ष ही रखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जिनकी भी ये मैंडेट आया है उनका सम्मान कीजिए और हम लोग अपनी लड़ाई अपने हिसाब से सरकार के समक्ष लड़ें और इस लड़ाई को सफल बनावें, क्योंकि यह लड़ाई हम लोगों का लड़ाई जो है किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है या किसी पार्टी विशेष से समर्थन भी नहीं है। हम सभी की लड़ाई पार्टी से ऊपर उठ करके, यानी कि जो सरकार है, सिस्टम में जो सरकार है, उस सरकार से हमारी लड़ाई है, उस सरकार से हम लोग लड़ेंगे
और इस लड़ाई के लिए जितना हो सकता है हम लोग अपना मेहनत करेंगे। का जो आंदोलन करने की जो जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कोर्ट में हम लोगों ने देख लिया है, कोर्ट में हम लोगों को न्याय नहीं मिला है, और कोर्ट में न्याय जब नहीं मिला है तो हम लोगों को अब सभी संगठनों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोगों को अब जो है सो इंसाफ जो है सो सड़क के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से ही मिल पाएगा। इसके बाद आपको बता दें, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अपनी अलग गुटबाजी कर रहे हैं, अलग गुटों की रणनीति कर रहे हैं, अपने गुट के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और एकजुटता कर रहे हैं। वो भी अच्छा है, अपना जो पहल करें जिस माध्यम से भी करें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए अगर नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।